हिमाचल प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन में बेहतर कार्य करते हुए अपने निर्धारित से भी आगे निकलकर वैक्सीनेशन का काम कर रहा है। तो हिमाचल में 0% कोविड वैक्सीनेशन वेस्ट की दर है, जो कि गर्व की बात है। ये बात हमीरपुर जिला में कोविड समीक्षा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करवाएं। वहीं पत्रकारों को भी कोविड वैक्सीनेशन दिए जाने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पत्रकारों को भी जल्द ही वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और कोविड वॉरियर का दर्जा भी प्रदेश में दिया जाएगा। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी, स्वास्थ्य सचिव अवस्थी, डीसी देवश्वेता बनिक, एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन भी मौजूद रहे। कि वैक्सीन एक उपाय है, जैसे मास्क एक वायरस से बचने का उपाय है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है बचने के लिए, इसी तरह से सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना एक उपाय है, और उसी तरह से एक बेहतर और कारगर उपाय जो है वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीन है। तो इसलिए वैक्सीन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में से है जहां वैक्सीन को बहुत जिम्मेवारी के साथ उसका उपयोग किया जा रहा है। हिमाचल में 0% हमारी वेस्टेज है वैक्सीन की, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की भी बात है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पर जो हमारा वैक्सीन का अभियान बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है, और जो हमारा वैक्सीन का जो टारगेट था उसको हम आगे बढ़ करके उसको पूरा करके जो है उसको उस टारगेट से भी हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। करेंगे इसको, जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि सब जगह से हम जहां भी जा रहे हैं सब लोगों की एक बात आ रही है कि हमको कोरोना वॉरियर्स क्यों नहीं माना जा रहा है। बात भी सच है कि आप लोग भी सुबह से शाम तक लोगों के बीच में ही होते हैं, और जिस तरह का एक्सपोजर आप लोगों का है, तो उस बात को ये कवर देना जरूरी है, बहुत जल्दी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कर्जे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कर्ज के लिए कोविड को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उन्होंने माना कि प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सत्ता में आई थी तब 48,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन कर्ज के लिए पूर्व की रही सरकारें भी जिम्मेदार हैं। आम जनता को कोविड के समय आर्थिक मदद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की परिस्थितियां मदद करने के अनुकूल नहीं है, और अगर सरकार के पास संसाधन जुटते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, कोविड इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये बात सत्य है कि प्रदेश में ऋण बहुत ज्यादा, और ये इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी दिया जाए, दोषी ठहराया जाए, हाँ उस पार्टी को दोषी ज्यादा ठहराया जा सकता है जो लंबे समय तक सत्ता में रही। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में 3.25 साल पहले सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस वक्त लगभग 48,000 करोड़ रुपये का ऋण हिमाचल के ऊपर था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस दौर में जो परिस्थितियां हैं, ऋण लेना किसी भी सरकार के लिए अव्यवस्था है, चाहे ये है चाहे वो है, जो वर्तमान स्थिति है चाहे वो आने वाली परिस्थिति है। ये ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं जहां मदद करने की मंशा जरूर है, लेकिन साधन और व्यवस्थाएं जुटेंगी तो आगे बढ़ करके निश्चित रूप से सोचा जा सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति हमारे सामने जिस प्रकार की है, अभी तक इन सारी चीजों को के लिए आगे बढ़ना ये संभव नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच राशन के डिपो पर बायोमेट्रिक प्रणाली से सामान दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के चलते बायोमेट्रिक प्रणाली पर सवाल उठे हैं, इसलिए सरकार जल्द ही नई तकनीक का प्रयोग करके इसका हल निकालेगी। ये सारे इसके लिए भी हम कोई एक अलग मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, और जिसको बोल रहे थे अखबार में भी खबर लगी थी, आंख दिखा करके वो राशन मिलेगा, हाँ तो यानी कि मतलब उस तरह से इस सारे टेक्नोलॉजी को उस तरह से उस दिशा में ले जाने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस की किसी को उम्मीद नहीं थी, बायोमेट्रिक अपना काम कर रही थी लेकिन इस साठ करके काम करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसके लिए बकायदा बजट में सभी मेडिकल कॉलेजों में MRI और CT स्कैन की मशीन लगाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में PP मोड पर CT स्कैन के लिए जगह का निरीक्षण हो चुका है और स्थापित किया जाएगा। वहीं उन्होंने दो पूर्व
मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश से बाहर कोविड का इलाज करवाने का उनका निजी फैसला करार दिया है। अभी हमने इस बजट में हमने अनाउंस किया है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है एमआरआई के और इसके सीटी स्कैन की सुविधा के बिना नहीं होंगे। और यहाँ हमीरपुर में अभी हाल ही में जाकर के जो पीपी मोड पर हमने सारा ये कर लिया है, उन्होंने साइट भी विजिट कर लिया है, प्लान भी कर लिया है, बहुत जल्दी यहाँ पर जो भाई इसको मुझे लगता है कि इस दिशा में नहीं जाना चाहिए हमको। इस पेशेंट का किसने कहाँ इलाज करना है ये व्यक्तिगत निर्णय भी होता है और इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना, लेकिन हिमाचल प्रदेश की व्यवस्थाएं हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाओं में रह करके पहले भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, वीरभद्र सिंह जी भी और शांता कुमार जी भी कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। हमीरपुर जिला में पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी सूखे की स्थिति नहीं बनी है और हमीरपुर में कुछ जगहों पर जल स्तर कम हुआ है लेकिन पानी का संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में भी सूखे की स्थिति पर चर्चा कर पूरी फीडबैक ली गई है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी तक की परिस्थिति, हमने कल जो मीटिंग की, मेरे पास सारी चीज को लेकर के आंकड़े भी हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि भाई पानी का संकट होना चाहिए। लेकिन प्रभावित हमारी स्कीम्स हुई हैं, उसमें कुछ एक स्कीम्स हमारी पार्शियली जो है जिसमें इम्पैक्ट आया है, तो मैं हाँ हमीरपुर की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर पानी की सप्लाई अगर शहर में कहीं किसी एरिया में नहीं आ रही तो विभाग को कहेंगे सुनिश्चित करें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। और अभी तक कम से कम ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हमारे पास पानी का संकट है, पेयजल संकट जो है हिमाचल प्रदेश में है और हमीरपुर में, तो अभी की तारीख में बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है।